हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार डायरेक्टेड चैनल। आज हम रिव्यू कर रहे हैं एक एमपीवी का, मारुति सुजुकी अर्टिगा। सेकेंड जनरेशन मॉडल आप ये देख रहे हैं, आता है 3 इंजन ऑप्शंस के साथ, पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी। टोटल 10 वर्जन्स मिलते हैं आपको मारुति सुजुकी अर्टिगा में। शुरू होता है 8.5 लाख रुपये से लेकर 13,30,000 रुपये तक। ये जो आप सामने वेरियंट देख रहे हैं, ये है VXi CNG वेरियंट। CNG से VXi मॉडल में ही अवेलेबल है। ऑटोमेटिक सिर्फ आपको पेट्रोल वेरिएंट्स के साथ ही मिलेगा, सीएनजी के साथ नहीं मिलेगा। इसकी कीमत पड़ती है ऑन रोड 10,10,000 रुपये। अगर आप पेट्रोल लेते हैं वो पड़ती है आपको 9,30,000 रुपये की। और यहाँ मिलती है आपको क्रोम स्टडेड फ्रंट ग्रिल क्रोम आउटलाइन के साथ। बीच में मिलेगा आपको सुजुकी का लोगो। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे आपको इधर, उसके साथ में है हाई बीम हेडलैम्प्स और उसके साथ में है टर्न इंडिकेटर। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको स्टैंडर्ड मिलता है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स अर्टिगा में। फॉग लैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता आपको VXi वेरिएंट में, आप एज अ एसेसरी लगवा सकते हैं। ये इसकी लोअर ग्रिल, 2 ईयर्स या 40,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है आपको अर्टिगा में, आप उसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं अप टू 5 ईयर्स। सस्पेंशन सेटअप की बात कर तो आगे मिलता है आपको मैक पियर्सन स्ट्रट विद कॉयल स्प्रिंग का सस्पेंशन, पीछे मिलता है आपको टॉर्शन बीम विद कॉयल स्प्रिंग का सस्पेंशन मारुति सुजुकी अर्टिगा के हर वेरिएंट में। हार्डटेक प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है मारुति सुजुकी अर्टिगा। और यहाँ मिलते हैं आपको 2 वाइपर्स, 2 वॉशर्स के साथ। ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स का ऑप्शन नहीं मिलता आपको किसी भी वेरियंट में। इसकी फ्रंट विंडशील्ड, रूफ एंटीना और इसका रूफ रेल्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा, एसेसरी में आप लगवा सकते हैं। यहाँ मिलता है आपको सीएनजी का डिकल। ए पिलर मिलता है आपको बॉडी कलर्ड ORVNs मिलते हैं आपको इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स के साथ। ये इसका रूफ एंटीना, यही मिलता है आपको हर वेरिएंट में। और यहाँ मिलेंगे आपको ब्लैक स्टील व्हील्स सिल्वर व्हील कवर्स के साथ। 15 इंच के आपको व्हील्स मिलते हैं, एलॉय व्हील्स का भी ऑप्शन मिलेगा आपको अर्टिगा में, वो आता है हायर वेरिएंट्स के साथ। ब्रिजस्टोन के टायर देखने को मिल रहे हैं। टायर रेशियो की बात करें तो यहाँ मिलेगा आपको 185/65 R15 का। रेडियल ट्यूबलेस टायर्स, आगे आपको मिलती है डिस्क ब्रेक्स, पीछे मिलती है आपको ड्रम ब्रेक्स अर्टिगा के हर वेरिएंट में। बॉडी कलर्ड ORVMs टर्न इंडिकेटर के साथ, बॉडी कलर्ड आउटसाइड डोर हैंडल्स। बी पिलर आपको मिलता है ब्लैक एंड, सी पिलर भी आपको ब्लैकआउट मिलेगा। एरोडायनामिक शेप मिलती है आपको मारुति सुजुकी अर्टिगा में। और ये है इसका रियर प्रोफाइल लुक। 3D टेल लैंप्स मिलते हैं आपको और नीचे मिलते हैं आपको रिफ्लेक्टर रियर बम्पर पे, और उसके ऊपर मिलेंगे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जो है स्टैंडर्ड फीचर अक्रॉस ऑल वेरियंट्स। हर वेरियंट में आपको रियर पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिफ्लेक्टर, और यहाँ मिलती है आपको अर्टिगा की बैजिंग लेफ्ट हैंड साइड पे। टेलगेट अप्लिक मिलती है आपको बॉडी कलर्ड में, उसके ऊपर मिलेगा आपको सुजुकी का लोगो। राइट हैंड साइड पे कोई भी बैजिंग नहीं मिलेगी आपको। रियर में डीफॉगर या वाइपर का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऊपर मिलता है आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप। यहाँ पे मिलता है आपको सीएनजी का डिकल। रियर में आप स्पॉयलर का भी ऑप्शन ले सकते हैं एज अ एसेसरी, स्टैंडर्ड नहीं मिलता आपको। ये है इसका कंप्लीट रियर प्रोफाइल लुक। सीएनजी का ऑप्शन आपको टूर एम मॉडल के साथ भी मिलेगा। रिव्यू आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन या वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक। स्पेयर टायर मिलता है आपको इधर, 15 इंच में आपको स्पेयर टायर मिलेगा, ब्लैक स्टील व्हील। 180mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है आपको इधर अर्टिगा में। और यहाँ मिलता है आपको एग्जॉस्ट पाइप राइट हैंड साइड पे। आइए इसका टेलगेट खोल के देखते हैं। यहाँ मिलता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन, इधर से आप खोल पाएंगे टेलगेट को। और यहाँ पे मिल जाता है आपको बूट स्पेस 209 लीटर्स का स्टैंडर्ड बूट स्पेस। ये सीएनजी वेरिएंट है तो इधर आपको मिलेगा थोड़ा कम बूट स्पेस। ऑल 3 रोज अप में ये टूल किट एंड फर्स्ट एड किट। और इसके नीचे मिलता है आपको सीएनजी सिलेंडर, 60 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है आपको।
CNG वेरिएंट में, जो आता है ऐसे VXi मॉडल के साथ। अदर वेरिएंट्स के साथ CNG अवेलेबल नहीं है। यहाँ मिलती है आपको टूल किट राइट हैंड साइड पे, और यहाँ मिलता है आपको स्पेयर टायर नट, इधर से आप खोल पाएंगे। स्प्लिट लगेज पोर्ट का फीचर नहीं मिलता आपको, जो मिलता है आपको पेट्रोल वेरिएंट के साथ। स्मार्ट हाइब्रिड का भी फीचर नहीं मिलेगा आपको CNG वेरिएंट्स के साथ, वो आता है सिर्फ पेट्रोल के साथ। और कुछ ऐसा दिखता है स्प्लिट टाइप लगेज पोर्ट का बूट, यहाँ मिल जाता है आपको अधिक बूट स्पेस स्प्लिट लगेज पोर्ट के कारण। इधर भी आप अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। राइट हैंड साइड पे मिलती है आपको टूल किट, और सारी चीज़ें आपको सेम मिलती है। स्पेयर टायर नट आपको इधर मिल जाएगा पेट्रोल वेरिएंट्स में, एंड आप 60-40 स्प्लिट फोल्ड भी कर सकते हैं सेकेंड रो को, एंड थर्ड रो को 50-50 फोल्ड डाउन। थर्ड रो को डाउन करने के बाद आपको मिल जाता है बूट स्पेस 550 liters का अर्टिगा में। लाइकवाइज आप सेकेंड रो को भी 60-40 स्प्लिट फोल्ड कर पाएंगे, और वो कुछ ऐसे दिखेगा। इधर आपको मिल जाता है 809 liters का बूट स्पेस, मैसिव बूट स्पेस मिल जाता है आपको मारुति सुजुकी अर्टिगा में सेकेंड एंड थर्ड रो को डाउन करने के बाद। और यहाँ मिलता है आपको एक ग्रैब हैंडल। रिवर्स पार्किंग कैमरा का फीचर नहीं मिलता आपको VXi वेरिएंट में। यह है इसका साइड प्रोफाइल लुक। डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ मिलती है आपको 4395 mm की, विड्थ है 1735, हाइट है 1690, एंड व्हील बेस इधर मिलता है आपको 2740 mm का मारुति सुजुकी अर्टिगा में। ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है आपको 180 mm का। टर्निंग रेडियस है 5.2 meters। कर्व वेट है 1235 kg का, एंड ग्रॉस वेट है 1795 kg का CNG वेरिएंट का। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इधर मिलेंगे आपको डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD एंड ब्रेक असिस्ट, ISO फिक्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, सिक्योरिटी अलार्म, स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक, फ्रंट सीट बेल्ट्स विद प्री टेंशनर्स एंड फोर्स लिमिटर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर लैम्प विद बजर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, रियर डोर चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सेंट्रल लॉकिंग, रिमोट कीलेस एंट्री, इंजन इमोबिलाइजर, डोर अजार वार्निंग लैंप, हेड लैंप ऑन वार्निंग। अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं पेट्रोल में तो उधर आपको मिलता है ESP एंड हिल होल्ड के एक्स्ट्रा फीचर्स। तो यही सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं आपको VXi CNG वेरिएंट में। और ये टर्न इंडिकेटर बॉडी कलर डो RVMs पे, और ये हैं इसके 3D टेल लैंप्स जो मिलते हैं आपको LED में विद टर्न इंडिकेटर्स। कुछ ऐसे दिखते हैं ये ऑन होने के बाद। अर्टिगा में एक XL6 वर्जन भी आता है जो नेक्सा डीलरशिप से सेल होता है, उधर आपको मिलते हैं फुल्ली LED टेल लैंप्स। रिव्यू आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन से, और कुछ ऐसे दिखते हैं वो जो काफ़ी शानदार लग रहे हैं ये रियर प्रोफाइल से। ये हैं फुल्ली LED टेल लैंप्स। अर्टिगा में मिलते हैं आपको 3D LED टेल लैंप्स। रिव्यू आप देख सकते हैं। आइए इसका रियर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं, और यहाँ मिलती है आपको बेज कलर की डोर पैडिंग। ये है पावर विंडो का स्विच, क्रोम इनसाइड डोर हैंडल, लॉक अनलॉक बटन, यूटिलिटी स्पेस, डोर माउंटेड आर्मरेस्ट, हार्ड प्लास्टिक मिलेगा आपको इधर। नीचे मिलती है आपको डोर पॉकेट 1 liter बॉटल होल्डर के साथ, काफ़ी स्पेस मिल जाती है आपको इस डोर पे। ये है स्पीकर। चाइल्ड सेफ्टी लॉक का भी फीचर मिलता है आपको दोनों रियर डोर्स पे। कुछ ऐसा दिखता है रियर डोर मारुति सुजुकी अर्टिगा का। और यहाँ मिलती है आपको फैब्रिक सीट अपोल्स्ट्री बेज कलर में, और कुछ ऐसी दिखती हैं सीट्स। स्पेसिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी कुशनिंग मिल जाती है आपको इधर। दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको सेकेंड रो पे। रिक्लाइन एंड स्लाइडिंग का फीचर मिलता है आपको सेकेंड रो पे। थर्ड रो पे सिर्फ रिक्लाइन का फीचर मिलेगा, सेकेंड रो पे स्लाइडिंग का भी फीचर मिलता है एडिशनली। ऐसे आप आगे भी कर पाएंगे सीट को, एंड रिक्लाइन भी कर पाएंगे पीछे जाने के लिए। आइए थर्ड रो में चलते हैं। फैब्रिक सीट अपोस्ट्री मिलेगी आपको हर वेरिएंट के साथ, चाहे आप VXi वेरिएंट लें या ZXi प्लस टॉप वेरिएंट। और आप स्पेस देख सकते हैं, ये सीट बिल्कुल पीछे है, एंड राइट हैंड साइड वाली सीट बिल्कुल आगे है। एसेसरी सॉकेट का फीचर नहीं मिलेगा, वो शुरू होता है ZXi से। यहाँ मिलता है आपको कप होल्डर, फिक्स विंडो मिलती है आपको, सीट बेल्ट, फिक्स ग्रैब हैंडल,
ऐसे ही आपको राइट हैंड साइड पे भी कप होल्डर का फीचर मिलेगा, सीट बेल्ट फॉर द थर्ड रो एंड फिक्स ग्रैब हैंडल। कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट का डैशबोर्ड। सेकंड रो में आपको रूफ वेंट्स मिलते हैं, थर्ड रो में कोई रूफ वेंट का फीचर नहीं मिलता आपको अर्टिगा में। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको तीनों रोज पे, और यहाँ मिलेगी आपको एक रीडिंग लाइट सेकंड रो एंड थर्ड रो के बीचों बीच। और ऐसा दिखता है बूट थर्ड रो से। तीनों रोज में आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और इजीली आप बाहर भी जा सकते हैं ऐसे इस प्रोसेस से। स्लाइडिंग सेकंड रो का फीचर मिलता है आपको, आईएसओ फिक्स आपको सिर्फ सेकंड रो में मिलेगा, थर्ड रो में नहीं मिलेगा, और इस प्रोसेस से आप इजीली बाहर जा पाएंगे। और ये है सेकंड रो की सीट्स, स्पेस आप देख सकते हैं, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको इधर, आर्मरेस्ट का भी फीचर मिलता है आपको सेकंड रो पे, फैब्रिक सीट अपोल्स्ट्री बेज कलर में। आइए अंदर चलते हैं, और यहाँ पे बैक पॉकेट का ऑप्शन नहीं मिलेगा ड्राइवर साइड सीट के पीछे। यहाँ मिलता है आपको पावर एसेसरी सॉकेट सेकंड रो में। पैसेंजर साइड सीट के पीछे आपको बैक पॉकेट का ऑप्शन मिलेगा, स्पेस काफ़ी मिल जाता है आपको इधर, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सीट बेल्ट्स आपको फिक्स्ड मिलती हैं VXi वेरिएंट में। और यहाँ मिलते हैं आपको रूफ वेंट्स, इधर से आप लोअर स्पीड भी कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ मिलता है आपको एक नॉब, चार रूफ वेंट्स मिलते हैं आपको, और यहाँ मिलेगा आपको रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल राइट हैंड साइड पे विदाउट कोट हुक। लेफ्ट हैंड साइड पे भी रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल मिलेगा, थर्ड रो में आपको फिक्स्ड मिलेगा, सेकेंड रो में मिलता है आपको रिट्रैक्टेबल। टोटल 5 हैंडल्स मिलते हैं आपको। आईएसओ फिक्स चाइल्ड सीट माउंट, ये सिर्फ मिलता है आपको सेकंड रो में, सेफ्टी फीचर। थर्ड रो में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। सीट्स आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा डिज़ाइन मिलता है आपको फैब्रिक सीट अपोल्स्ट्री का, काफ़ी अच्छी कुशनिंग मिल जाती है आपको इधर। टोटल 4 आईएसओ फिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स मिलते हैं आपको सेकंड रो में, और यहाँ मिलता है आपको आर्मरेस्ट विदाउट कप होल्डर्स। और कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट का डैशबोर्ड पीछे से, डुअल टोन इंटीरियर मिलता है आपको, स्कल्प्टेड डैशबोर्ड विद वुडन फिनिश का फीचर आपको ZXi वेरिएंट से मिलता है। और ये है इसका इल्यूमिनेशन लुक, ऑरेंज कलर की इल्यूमिनेशन मिलती है आपको मारुति सुजुकी अर्टिगा में, 3-spoke स्टेयरिंग व्हील, ये पावर एसेसरी सॉकेट, 1 लीटर बॉटल होल्डर की डोर पॉकेट आपको हर डोर के साथ मिलेगी चारों डोर्स पे। ये है लेफ्ट हैंड साइड रियर पैसेंजर डोर, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्पीकर, डोर पॉकेट, क्रोम इनसाइड डोर हैंडल, चाइल्ड सेफ्टी लॉक का भी फीचर मिलता है दोनों रियर डोर पे। और ये हैं इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ऑन होने के बाद कुछ ऐसे लगते हैं ये विद टर्न इंडिकेटर। सतोशी काशाहारा ने डिज़ाइन की है मारुति सुजुकी अर्टिगा, और इसकी असेंबली होती है 3 जगह, गुड़गांव हरियाणा इंडिया में, बेकसी इंडोनेशिया में, एंड थिलावा म्यांमार में। नवंबर 2018 को लॉन्च हुआ था सेकेंड जनरेशन मॉडल अर्टिगा का इंडिया में। और ये इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद टर्न इंडिकेटर, प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ में मिलता है आपको हाई बीम हेडलैम्प, ऑन होने के बाद कुछ ऐसा लगता है वो। टोटल 5 कलर ऑप्शंस मिलते हैं आपको अर्टिगा में। ये जो आप सामने कलर देख रहे हैं है मेटालिक मैग्मा ग्रे, इसके अलावा आपको मिलता है पर्ल मेटालिक ऑबन रेड, पर्ल मेटालिक ऑक्सफोर्ड ब्लू, पर्ल आर्टिक वाइट एंड मेटालिक सिल्की सिल्वर जैसे कलर ऑप्शंस। आइए ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं, बेज कलर की डोर पैडिंग मिलती है आपको, और यहाँ मिलते हैं आपको पावर विंडोज के स्विच, ऑटो डाउन का फंक्शन मिलता है आपको ड्राइवर साइड विंडो पे। यहाँ मिलता है आपको डोर माउंटेड आर्मरेस्ट, हार्ड प्लास्टिक, यूटिलिटी स्पेस, क्रोम इनसाइड डोर हैंडल, ये ऑटो डाउन का फंक्शन मिलेगा इधर, मास्टर की लॉक अनलॉक का बटन भी मिलेगा, एंड ये ORVMs के कंट्रोल इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर पाएंगे आप। नीचे मिलती है आपको डोर पॉकेट, 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ ये स्पीकर, ट्विटर का प्रोविज़न मिलता है आपको, कुछ ऐसा दिखता है ड्राइवर साइड डोर। वुडन फिनिश मिलती है आपको ZXi वेरिएंट पे, जो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही डोर पैडिंग पे। और कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर ड्राइवर साइड से,
थ्री स्पोक पावर स्टेयरिंग व्हील मिलता है आपको, और यहाँ पे है फ्यूल कन्वर्टर स्विच, उसके नीचे मिलती है आपको यूटिलिटी स्पेस, वॉलेट या कॉइन्स रखने के लिए, ये फ्यूल कन्वर्टर स्विच, ये हेडलैम्प बीम एडजस्टर नॉब, ये इसके पेडल्स, डेड पेडल का फीचर नहीं मिलेगा, यहाँ से खोल सकते हैं इंजन बोनेट, यहाँ पे मिलता है आपको लीवर, और यहाँ से खोल सकते हैं आप फ्यूल लिड, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट का फीचर नहीं मिलेगा VXi वेरिएंट में, रिक्लाइनिंग का ही फीचर मिलेगा, ये इसकी कुशनिंग ड्राइवर सीट की, कुछ ऐसी दिखती हैं सीट्स, फैब्रिक सीट अपोस्ट्री, 2 ईयर्स या 40,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है आपको मारुति सुजुकी अर्टिगा में, ये कुछ स्पेसिफिकेशन टायर के बारे में, वारंटी को आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं अप टू 5 ईयर्स, और ये है इसका थ्री स्पोक पावर स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील का फीचर आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलता है, और यहाँ मिलता है आपको सुजुकी का लोगो क्रोम रिंग के अंदर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं आपको, थंब कंट्रोल भी मिलेगा, ये हैं ऑडियो कंट्रोल्स और ये हैं कॉलिंग कंट्रोल्स, वॉइस कमांड का फीचर नहीं मिलेगा, सिल्वर एक्सेंट का भी आप काम देख सकते हैं, यहाँ मिलते हैं आपको लाइट और इंडिकेटर कंट्रोल्स, यहाँ पे है वाइपर एंड वॉशर के, स्टेयरिंग एडजस्टमेंट का भी फीचर मिलता है आपको, टिल्ट स्टेयरिंग एडजस्टमेंट कर पाएंगे आप, टेलीस्कोपिक का फीचर नहीं मिलेगा किसी भी वेरिएंट में, VXi वेरिएंट में मिलता है आपको ऑडियो सिस्टम विद इलेक्ट्रोस्टैटिक टच बटन्स, यहाँ मिलता है आपको हैजार्ड लाइट का बटन, और यहाँ मिलेगा आपको मैनुअल एसी, ऑटोमेटिक एसी का फीचर आपको ZXi वेरिएंट से ही शुरू होता है, और उसके नीचे मिलते हैं आपको पावर एसेसरी सॉकेट एंड USB एंड AUX के पोर्ट्स, पावर एसेसरी सॉकेट आपको सेकेंड रो में मिलता है VXi में, और ये है USB एंड AUX के पोर्ट्स, उसके नीचे स्पेस मिलता है आपको, और यहाँ मिलते हैं आपको एयर कोल्ड ट्विन कप होल्डर्स, इधर से आप ऑन एंड ऑफ कर पाएंगे, कूलिंग इफेक्ट मिलता है आपको इधर 2 कप होल्डर्स पे, 5-speed मैनुअल गेयर बॉक्स, CNG में ऑटोमेटिक का फीचर नहीं मिलेगा, वो आता है सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट के साथ, 4-speed ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स पेट्रोल वेरिएंट के साथ ही मिलेगा, ये सेकेंड रो का पावर एसेसरी सॉकेट, हैंड ब्रेक पे क्रोम टिप मिलती है आपको, नीचे मिलता है आपको स्पेस, इसका ग्लव बॉक्स, ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है आपको इधर, और यहाँ पे मिलता है आपको एक ऑडियो रिमोट, इल्यूमिनेशन का फीचर नहीं मिलता आपको इधर, ये इसका डैशबोर्ड लुक, और इस डोर को खोलेंगे तो यहाँ पे मिलती है आपको डोर पॉकेट 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ, स्पीकर का भी फीचर मिलेगा, ट्विटर का प्रोविज़न मिलता है आपको, आप लगवा सकते हैं, एंड पैसेंजर साइड सनवाइजर पे आपको वैनिटी मिरर का फीचर मिलता है, लाइट का फीचर नहीं मिलता, यहाँ मिलती है आपको रीडिंग लाइट्स, और यहाँ पे है ब्लूटूथ माइक, IRVM आपको एडजस्टेबल मिलेगा, ये ड्राइवर साइड सनवाइजर, यहाँ मिलता है आपको टिकट होल्डर का फीचर, और ये है इसका डैशबोर्ड लुक, फ्लैट डैशबोर्ड मिलता है आपको, AC वेंट, आगे भी आपको 4 AC वेंट्स मिलते हैं, एंड पीछे भी आपको 4 roof AC वेंट्स मिलेंगे, और ये है इसका इल्यूमिनेशन लुक, नाइट में कुछ ऐसे लगेगा, ऑरेंज कलर की इल्यूमिनेशन मिलती है आपको, पावर विंडोज़ पे नहीं मिलेगी, कुछ ऐसा दिखता है कंप्लीट डैशबोर्ड लुक, आइए गाड़ी को ऑन कर लेते हैं, सेंट्रल लॉकिंग का फीचर मिलता है आपको, 2 रिमोट कीज मिलेंगी आपको इधर, लॉक अनलॉक बटन के साथ, अगर आप VXi पेट्रोल लेते हैं तो उधर आपको मिलता है MID विद कलर TFT स्क्रीन, यहाँ मिलेगा आपको नॉर्मल MID VXi CNG एंड VXi डीजल वेरिएंट्स के साथ, लेफ्ट हैंड साइड नॉब से आप एक्सेस कर पाएंगे डुअल ट्रिप मीटर्स एंड टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स को, राइट हैंड साइड नॉब से आप कर पाएंगे एवरेज किलोमीटर पर लीटर, रेंज जैसे फीचर्स, डिजिटल टाइम देखने को भी मिल रहा है इस MID पे, और राइट हैंड साइड पे मिलता है आपको फ्यूल कन्वर्टर स्विच, अब ये पेट्रोल में, अगर आप CNG पे करेंगे तो CNG का साइन ब्लिंक करेगा इस MID पे, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, एंड दोनों फ्यूल गॉज आप देख सकते हैं, CNG एंड पेट्रोल का अलग मिलेगा,
इल्यूमिनेशन कंट्रोल का फीचर नहीं मिलता आपको इस MID पे। अगर आप VXi डीजल लेते हैं तो उधर आपको दो एडिशनल फीचर्स मिलते हैं MID पे, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन एंड डिस्टेंस टू MT जैसे फीचर्स जो VXi CNG पे नहीं मिलते। और ये है इसका ऑडियो सिस्टम विद इलेक्ट्रोस्टैटिक टच बटन्स, सपोर्ट करता है USB, AUX, रेडियो एंड ब्लूटूथ को। और यहाँ मिलता है आपको ऑटो डाउन का फंक्शन ड्राइवर साइड विंडो पे, ऑटो अप का फंक्शन नहीं मिलेगा। ये फीचर है स्टैंडर्ड, हर वेरिएंट के साथ यही फीचर मिलेगा ऑटो डाउन का। और इधर से आप कर पाएंगे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ORVMs को एंड इलेक्ट्रिकली फोल्ड भी कर पाएंगे। और इस चॉइस 6 से आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाएंगे लेफ्ट एंड राइट कुछ इस तरीके से। ये इसका मैनुअल AC, टोटल 4 AC वेंट्स मिलते हैं आपको फ्रंट सेक्शन में एंड पीछे भी आपको 4 रूफ वेंट्स मिलते हैं। उधर से आप ब्लोअर स्पीड भी अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। और ये है लेफ्ट हैंड साइड रियर पैसेंजर डोर, स्पेस आप देख सकते हैं अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है आपको। यहाँ पे भी आपको मिलता है चाइल्ड सेफ्टी लॉक, स्लाइडिंग एंड रिक्लाइन का फीचर मिलता है आपको सेकेंड रो की सीट्स पे, थर्ड रो पे मिलता है आपको सिर्फ रिक्लाइन का फीचर। आइए फ्रंट पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं, कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर फ्रंट पैसेंजर साइड से। ड्यूल टोन इंटीरियर, स्लाइडिंग का फीचर मिलेगा आपको इधर फ्रंट पैसेंजर सीट पे विद रिक्लाइन। ड्यूल ECU टेक्नोलॉजी मिलती है आपको CNG वेरिएंट में। ये राइट हैंड साइड रियर पैसेंजर डोर, एसेसरीज में भी आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, पैकेजेस भी आप ले सकते हैं डीलर के थ्रू विद वारंटी। और ये है ड्राइवर साइड डोर, कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर। और यहाँ से खोल सकते हैं आप फ्यूल लिड, लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है आपको फ्यूल टैंक। एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इधर मिलती है आपको 60 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी CNG में, एंड पेट्रोल में मिलती है आपको 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। इधर से आप फिल कर सकते हैं CNG और इधर से पेट्रोल। डीजल वेरिएंट्स में भी आपको 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी। और यहाँ से खोल सकते हैं आप इंजन बोनट, आइए इसका इंजन बोनट खोलते हैं। यहाँ मिलता है आपको लीवर, यहाँ मिल जाती है आपको डैम्पनिंग फॉर बेटर इंसुलेशन। और इधर मिलता है आपको 1.5 लीटर K15B पेट्रोल इंजन, CNG मोड में मिलती है आपको 91 BHP की पावर 122 Nm टॉर्क के साथ, 26.20 किलोमीटर पर kg की माइलेज क्लेम करती कंपनी, आता है 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स में। अगर आप पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं उधर मिलता है आपको स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम, उधर मिलती है आपको 103 BHP की पावर 138 Nm टॉर्क के साथ, 19.34 की माइलेज मिलती है आपको मैनुअल में एंड 18.69 की माइलेज मिलेगी आपको ऑटोमेटिक के साथ, आता है 4-speed ऑटोमेटिक या 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। BS6 पेट्रोल इंजन मिलता है आपको। एंड तीसरा मिलता है आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन, ये प्रोड्यूस करेगा 94 BHP की पावर 225 Nm टॉर्क के साथ, इधर माइलेज क्लेम करती है कंपनी 24.2 किलोमीटर पर लीटर की, और ये आता है 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। एंड डीजल इंजन मिलता है आपको BS4 कंप्लाइंट। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ऑल न्यू मारुति सुजुकी अर्टिगा का ये VXi CNG वेरिएंट? आप इसको लेना पसंद करेंगे कि नहीं एज कम्पेयर टू VXi पेट्रोल? आपके हिसाब से कौन सा वैल्यू फॉर द मनी मॉडल है हमें कमेंट करके बताइए। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।